अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ चिकन नगेट बनाने। बच्चे स्कूल चले गए, सोचे आप लोग के साथ ला शेयर कर देती हूँ। देखिए ये 2 kg चिकन बोनलेस है, और उसमें डालूँगी 2 kg में 8 ब्रेड है। अब इसका ये मसाला देख लेते हैं। मसाले में देखिए ये है 1 tablespoon ब्लैक पेपर, 2 tablespoon गार्लिक पाउडर, 2 tablespoon ये देखिए शिमला मिर्च पाउडर जो होता है वो है, और 2 tablespoon ओनियन पाउडर ये वाला, और 1 tablespoon नमक है। यही इतना मसाला जाएगा। सबसे पहले ब्रेड को चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। चिकन और ब्रेड साथ में जब एक साथ में पीसे तो वो ब्रेड का टुकड़ा टुकड़ा रह जाता है, इसलिए अलग पहली बार इसको चॉप कर लेती हूँ ताकि अच्छे से महीन हो जाए। देखिए देखिए ये हो गया चॉप। तो इसी में मैं सारा मसाला मिक्स करके ब्रेड में रख लूंगी, इसके बाद चिकन को चॉपर में डालूंगी। पेपरिका पाउडर, नमक, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, ब्लैक पेपर सबको, ये ऑनियन पाउडर का पता नहीं कैसे बन गया है, टूट जा रहा है से। सोच रही थी पहले ही बना दूंगी, बस बच्चों के स्कूल खुलने से पहले, पर सामान ही नहीं मिल पा रहा था, मार्केट ही नहीं जाना हो रहा था, मरीम के बाबा के पास टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये मैं सैटरडे को सारा सामान लाई हूँ, कल बहुत काम था, कल भी नहीं कर पाई, सोचिए आज कर लूँगी। ये नगेट बनाने के बाद कबाब भी बनाना है। देखिए ये हो गया मिक्स, तो चॉपर करो। देखिए चिकन चॉप हो गया है, इसको निकाल कर रख लूंगी, अभी इतना और बाकी है। अच्छा देखिए चिकन हो गया है, इसका कीमा बन गया है, और ये चिकन नगेट बनाने के लिए, कबाब बनाने के लिए इसको 4 से 5 घंटा 6 घंटा धुल के रख दें छन्ने में, ताकि उसका सारा पानी सूख जाए, पानी नहीं रहना चाहिए। मुझे सुबह बनाना था, इसलिए मैं रात ही में बच्चों को सुलाने के बाद ही ये काम करके रखती थी, जैसे फ्रिज में उठा के रख देती ख़राब वराब ना हो जाए, पानी एकदम सूख गया था। अब ये हो गया, अब ये जो मिक्स करके रखी थी ब्रेड में ये सब डाल के मिक्स कर दूंगी। देखिए ये हो गया है मिक्स करके, मैं इसका बना लेते हूँ नगेट का सेव। देखिए मैं जितना सब टरे था सब में बटर पेपर बिछा दी हूँ, अब बनाऊंगी नहीं, इसलिए सारे में रख रही हूँ। इसका नेक्स्ट का सेप देने के बाद ये मैं फ्रीजर में रखूँगी 1 घंटे के लिए, इसके बाद तब इसमें जब जो कोटिंग वोटिंग करना रहेगा वो कर लूँगी। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के करना पड़ेगा ताकि चिपके उठे ना।
छोटा छोटा ऐसे करके बना लेंगे। देखिए मसाला से दो ट्रे हो गया है, अभी बनाते जाऊंगी और फ्रीजर में रखते जाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये टाइट हो जाए। देखिए दो ट्रे हो गया, दो इतना भी बाकी है, मसाला बहुत सारा नहीं बन जाएगा। देखिए दो ट्रे और हो गया तैयार, मसाला बहुत बन गया है। ये भी ले जाके फ्रीजर में डाल दूँगी जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये सब डालने के बाद एक घंटे के बाद निकाल के कोटिंग करूँगी। देखिए कोटिंग की तैयारी, सबसे पहले मैदा ले रही हूँ और ये ब्रेड क्रम्स, ये दोनों हो गए, और ये तीन अंडा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करूँगी ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। ये गाढ़ा रहेगा को चिकन नगेट डाल के सब निकालूँगी तो निकले अच्छे से, नहीं निकलेगा मोटा मोटा अंडा कैसे बोलते हैं, उठाओ, इसलिए पानी मिला के पतला कर रही हूँ। सब तैयारी कर लूँगी और जब तक वो भी थोड़ा टाइट होगा जब तक मैं नाश्ता कर दूँगी क्योंकि 9 बज रहा है। देखिए हो गया है, देखिए मैं फ्रीजर से निकाल के लाई हूँ, जा रही हूँ इसका कोटिंग करने। देखिए मसाला हो गया है तैयार, क्या सबसे पहले मैं मैदा का कोटिंग कर लूँगी। देखिए सारे नगेट कोटिंग करके रख ली हूँ मैदे में, अब इसमें पहले अंडे में लगाऊंगी। इसे करके लगा के सब लगाती हूँ। देखिए तो मसाला सारा कोटिंग करके हो गया है, 85 नग बना है 2 किलो चिकन में। वन मंथ तो चलेगा ही, मरियम नहीं ले जाएंगे लेकिन साद फहद ले जाएंगे। फहद फहद का और साद का फेवरेट है। तो गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और मेरा लाइक फैंसी लुक लग, मेरा देखिए मेरा ड्रेस का कलर मैरून और शर्ट का कलर है क्या मम्मा वाइट, में चलती फिरी कतर फ्लैग लगती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी मम्मा बना रही है हम लोगों के लिए चिकन चिकन मटन अरे सॉरी लीवर दिल किडनी सालन नहीं बॉडी पार्ट सालन, इसका मम्मी नाम क्या रखे हम लोग गाइस। देखिए दिल मुझे बहुत अजीब लग रहा है इसको देखिए, तो आगे का वीडियो मेरी मम्मा कंप्लीट करेंगी क्योंकि मैं इसको और ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती हूँ ऐसे। तो देखिए यहाँ पर मेरी मम्मा चॉप करती है, सॉरी गाइस ये वेजिटेबल बस इसको चॉप भी हम लोग कह सकते हैं, कट करती है मेरी मम्मा इसको, चॉप करती है जो भी आप लोग कहते हो, काट अपनी चाकू से उसको। अब उसको सारे मिलाएंगे और यहाँ पर फातिमा को तो फिर अभी अभी सोच रही थी जब मैं आई तो मुझे पता चला कि फातिमा कह रही है मम्मा मम्मा,
और अभी तक पता थी गाइस मेरी कोई आदत है ऐसी। मम्मा आप मेरी आदत बता दो। क्या बता दो, आके स्कूल से एक घंटा बैठी रहती है, इधर उधर चलेगी बैठी रहेगी तब जाके कहीं निकालेगी। पता नहीं क्यों मुझे, मैं कभी कभी जल्दी, कल मैं इतना जल्दी निकाल लेती क्योंकि कल पहला दिन था तो मुझे वो खुश रहे थे, अब से मेरा दूसरे दिन होके शुरू हो गया मेरा ये वाला आदत। देखिए जा रही कलेजी बनाने, इसके लिए तेल डालती हूँ और ये खड़ा दालचीनी, बादियान एक दो छोटे तेज पर एक चुटकी जीरा। देखिए एक प्याज है, थोड़ा बड़ा था ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बस पत्ते। देखिए एक टमाटर है और ये है मसाला, हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून ये आमद मिक्स मसाला, बस मैं इतना ही डालूँगी, बहुत कम इसमें मसाला जाता है। देखिए नमक इसमें डाल देते हैं क्योंकि प्याज गल जाए जल्दी से। देखिए प्याज थोड़ा सा गुलाबी हो गया है, इसमें ये डाल दूंगी 2 लहसुन का पेस्ट, और इसमें डाल दूंगी कलेजी। देखिए कल रात में बनाई थी मैं साग, बघारी नहीं थी इसे रख दी थी, अभी बघारने जा रही हूँ। एक ग्रीन चिल्ली डाली हूँ, रेड चिल्ली डाली हूँ और ये हो गया तो हींग डाल रही हूँ, अब इसी में साग डाल दूँगी। देखिए साग साग को बघार दी हूँ, ये हो गया है। देखिए इधर कलेजी भी थोड़ा सा भून गया है, अब इसी में मसाला डाल दूँगी। टमाटर और 2 ग्रीन चिल्ली। देखिए सब डाल दिए, टमाटर का पानी भी निकलेगा और ये पकेगा धीरे धीरे, इधर साग भी रेडी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों को भी हम लोग को भी, रोटी चावल किसी भी चीज के साथ खाए। देखिए कलेजी में अच्छे से भून ली मसाले में, और मसाला भी पक गया, पानी भी पक गया, ऐसे ही चाहिए मुझे, ये हो गया है इसे तैयार हो गया है। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा आज का।